गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स कैसे हो, फिट बिंदास? दोस्तों, हमने इससे पहले वीडियो में मेंडल से संबंधित यानी कि वंशानुगति से संबंधित, जेनेटिक्स से संबंधित जो भी शब्दावलियां थी वो हमने अच्छे से देखी थी, है? उम्मीद करता हूं कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं आपसे एक बार फिर से कहूंगा दोस्तों, अगर वो सारी टर्मिनोलॉजी, वो जो शब्दावलियां हैं, जो परिभाषाएं हैं, अगर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई है ना, तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत इजी है। कारण क्या है कि हम जो भी टॉपिक्स करेंगे उसमें वो शब्द आएंगे बार बार, जैसे लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप, संकरण, है ना, या फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस, F1 जनरेशन, ऐसे जो भी हैं ये टर्म्स, ये बार बार आएंगी। तो मेरा आप सबसे वही एक बार अगेन रिपीट करूंगा मैं कि आप लोग वो जो शब्दावलियों वाला जो मेरा वीडियो है वो जरूर देखें। आज जो हम बात कर रहे हैं, जो हमने लास्ट जहां हम बात कर रहे थे जिसमें मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी कि एकल संकर संकरण, उसकी हम लास्ट बात कर रहे थे, तो उसी से ही हम आगे आज बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलो देखिए हम बात करते हैं। एक जीन वंशानुगति, एक जीन वंशानुगति यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसको आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक जीन वंशानुगति या मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा हमने देख रखी है कि यदि एक लक्षण को लेकर के, ना, एक जोड़ी लक्षण को लेकर के संकरण प्रयोग किए जाए तो ऐसे संकरणों को क्या कहते हैं दोस्तों, एक जीन वंशानुगति या मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। चलो तो देखिए, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि एक जोड़ी विप्रयासी लक्षणों को लेकर संकरण प्रयोग किया जाए तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एकल संकरण या क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रिपीट कर रहा हूं। यदि एक जोड़ी विप्रयासी लक्षणों को लेकर है ना संकरण प्रयोग किए जाए तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, एकल संकर संकरण कहते हैं या मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो देखिए, यहां एक जोड़ी विप्रयासी लक्षण यानी कि कोई एक लक्षण, जैसे कि लंबाई के आधार पर मान ले तो लंबावन जो है ना, लेंथ ऑफ प्लांट जो है फीचर्स वो लेकर के अगर अपन एक्सपेरिमेंट करें, है ना, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को कहते हैं दोस्तों आपके मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और इसका कंप्लीट, है ना, तो कैसे ये आगे जनरेशन से जनरेशन आगे जाता है, तो वो सारा कुछ एक जीन वंशानुगति कहलाता है। क्या कहलाता है, एक जीन वंशानुगति कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलो इसमें देखिए मेंडल ने क्या किया था उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए इसमें बात करते हैं, मेंडल ने अपने
प्रथम प्रयोग में मेंडल ने अपने प्रथम प्रयोग में शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बोने पौधों के मध्य संकरण करवाया। ठीक है दोस्तों, मेंडल ने अपने प्रथम प्रयोग में शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बोने पौधे का लेकर के संकरण करवाया। तो दोस्तों ध्यान रखना, मेंडल ने इस दौरान मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे को कैपिटल टी तथा शुद्ध बोने पौधे को स्मॉल टी से प्रदर्शित किया, है ना। तो कैपिटल टी किसके लिए लिया गया दोस्तों, शुद्ध लंबे पौधे के लिए, और स्मॉल टी किसके लिए लिया गया, शुद्ध बोने के लिए। ठीक है, तो देखिए इस दौरान मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे को कैपिटल टी तथा शुद्ध बोने पौधे को स्मॉल टी से दर्शाया या प्रदर्शित किया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये तो कौन है, जनक पीढ़ी से क्या बनेंगे, युग्मक। तो इसमें आगे बात करते हैं इन जनक पीढ़ी से आगे युग्मकों का क्रमशः निर्माण होता है। तो देखिए इसमें कौन कौन से युग्मक बने दोस्तों, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरीके से ये चार युग्मक बन जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, इन युग्मकों के संलयन यानी कि फ्यूज यानी कि निषेचन, है ना, इन युग्मकों के संलयन से प्राप्त संतति को F1 पीढ़ी कहते हैं जिसमें सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। देखिए दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा, हुआ क्या था कि मेंडल ने इस तरीके से शुद्ध रूप से लंबा पौधा लिया और शुद्ध रूप से बोना पौधा लिया। तो F1 जनरेशन में दोस्तों देखिए सभी जो पौधे थे वो आपके लंबे थे, है ना, लेकिन वो जो लंबे पौधे थे वो क्या थे, संकर लंबे थे। क्या थे दोस्तों, वो सभी संकर लंबे प्रकार के पौधे थे, जिनको क्या कह सकते हैं, हाइब्रिड या अशुद्ध लंबे पौधे कहते हैं। ठीक है, चलो तो देखिए हुआ क्या दोस्तों कि इनमें जब युग्मकों का संलयन हुआ तो प्राप्त संतति पीढ़ी को, तो पहली बात है F1 पीढ़ी कहते हैं, और जिसमें सभी जो पौधे थे वो आपके लंबे प्राप्त हुए। मेंडल आश्चर्यचकित हो गया, कह रही ये क्या हुआ भाई, मैंने तो एक लंबा पौधा लिया एक बोना पौधा लिया, राइट, तो कम से कम मिड हाइट का पौधा होना चाहिए था,
फॉर एग्जाम्पल इधर अपन बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए जो मेल पौधा है ना, मान लीजिए जो ये मेल पौधा है, ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए मेल पौधा है, इसकी हाइट है आपके 10 फीट और जो फीमेल है उसकी हाइट है मान लो 2 फीट। तो होना क्या चाहिए, अपन नॉर्मली बात ही करते हैं कि होना क्या चाहिए था कि लगभग जो पौधा बने उसमें 5 या 6 फीट की हाइट हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गौर से सुनिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। इसमें एक जो लक्षण है, ये वाला लक्षण वो पूरी तरीके से छिप गया, अर्थात जो फीमेल वाले लक्षण थे वो दिखाई नहीं दिए। किसमें दोस्तों? F1PD में जो फीमेल के जो लक्षण थे, फीमेल यानी कि अप्रभावी, अप्रभावी जो लक्षण थे वो F1PD में नहीं दिखे, है ना। तो F1PD में कंप्लीट जो लक्षण दिखाई दिए थे उस लक्षणों को फिर क्या कहा गया था? इनको कहा गया था दोस्तों प्रभावी। क्या कहा गया था? प्रभावी लक्षण। तो इसमें मेंडल बड़ा ही शॉक हो गया कि ये एक्चुअल में माजरा क्या है, ठीक है। तो देखिए फिनोटाइपली यानी कि बाहर से देखने पर सारे पौधे लंबे थे, जब इसने इसकी स्टडी करी जीन लेवल पर तब देखा कि इसके अंदर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी प्रकार का वेरिएशन है। फिर इसने कहा कि ये लंबे तो है ना, गौर से सुनना दोस्तों, लंबे तो है लेकिन ये अशुद्ध लंबे हैं। क्या है दोस्तों? ये आपके अशुद्ध लंबे हैं। और इसी के लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, वो है विषम युग्मजी। क्या वर्ड यूज किया जाता है दोस्तों? विषम युग्मजी यानी कि हेटरोजाइगस लॉन्ग। तो ये टर्म फिर मेंडल ने यूज किया, ठीक है दोस्तों। चलो तो फिर अपन बात करते हैं एक बार, अगर चाहो तो इस एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन नोट्स में अपन जब बात करें तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। चलो तो देखिए हुआ क्या कि मेंडल ने ये कहा कि जब इन युग्मकों का संलयन किया जाता है तो F1PD प्राप्त होती है, और जिनमें सभी पौधे लंबे हुए है ना, लंबे प्राप्त हुए जिन्हें अशुद्ध लंबे। क्या कहा गया दोस्तों? अशुद्ध लंबे या संकर लंबे कहा प्राप्त हुए, जिन्हें अशुद्ध लंबे या संकर लंबे कहते हैं या कहा गया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन युग्मकों के संलयन से प्राप्त F1PD जो संतति प्राप्त होती है उन्हें F1PD कहते हैं, और F1PD में सभी जो पौधे लंबे हुए थे प्राप्त है ना, तो उनको अशुद्ध लंबे या संकर लंबे कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इनमें कॉम्बिनेशन क्या था दोस्तों? कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना। अब देखिए, अब आगे देखिए मेंडल ने प्राप्त F1PD का स्वपरागण किया जिससे F2PD में देखिए दोस्तों, मेंडल ने आगे क्या किया, जो F1PD प्राप्त हुई थी उसका आगे उसने स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन किया। आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन कौन सी जनरेशन मिली? F2 जनरेशन, है ना। तो F1PD का स्वपरागण किया जिससे F2PD में कई प्रकार के ना, या यूं को F1PD में जनक लक्षण दिखाई दिए, F2PD में जनकों के, या यूं कहूं कि F2PD में अप्रभावी जनक, F2PD में अप्रभावी जनक के लक्षण पुनः दिखाई दिए जिसमें
जिसमें चित्रानुसार, जिसमें या आलेख अनुसार, जिसमें जिसमें आलेख अनुसार, आलेख अनुसार, आलेख अनुसार एक अनुपात दो अनुपात एक में पौधे प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है एक्सपेरिमेंट दोबारा हम देख लेते हैं। देखिए मेंडल ने क्या किया था दोस्तों, मेंडल ने शुद्ध रूप से शुद्ध लंबा पौधा, मान लीजिए ये एज अ मेल है, ठीक है, का क्रॉस शुद्ध बोना पौधा के साथ करवाया, वो मान लीजिए एज अ फीमेल था, ठीक है, तो मेल के लिए उसने क्या लिखा भी, कैपिटल टी एक कॉम्बिनेशन रखा उसने, राइट, और फीमेल के लिए उसने रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी। क्लियर, ये तो कौन सी दोस्तों, ये तो है आपके जनक पीढ़ी, राइट, ये क्या है दोस्तों जनक पीढ़ी। अब इनसे क्या बनेंगे दोस्तों, युग्मक। तो देखिए इस तरीके से इसमें युग्मक बन गए, स्मॉल टी ये अलग और ये स्मॉल टी अलग। ठीक इसी तरीके से दोस्तों कैपिटल टी ये अलग और कैपिटल टी ये अलग, तो ये क्या बन गया दोस्तों, ये बन गई आपके गैमिट, ये बन गई आपके गैमिट जनरेशन यानी कि युग्मक पीढ़ी। ये क्या बन गए दोस्तों, युग्मक बन गए। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। कि अभी मेंडल ने शुद्ध रूप से लंबा पौधा लिया और शुद्ध रूप से बोना पौधा लिया, ये इनकी जनक पीढ़ी हो गई, इनसे क्या बने गैमिट्स। जब इनका फ्यूजन हुआ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है गौर से सुनना, जब इनका फ्यूजन हुआ तो क्या बने F1 पीढ़ी, और दोस्तों F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले थे। क्या थे दोस्तों, सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त हुए, है ना, यानी कि विषमयुग्मजी। ये दोनों क्या है दोस्तों, समयुग्मजी, है ना, और हमने परिभाषा में बात की भी है कि समयुग्मजी को शुद्ध कहते हैं और विषमयुग्मजी को क्या कहते हैं, अशुद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि इनका आगे इन्होंने क्या करवाया, स्वपरागण क्या करवाया दोस्तों, इसका आगे इन्होंने स्वपरागण कराया। ठीक है, अब देखिए स्वपरागण कराने से ये देखिए, ये मान लीजिए अजमेल कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इस तरीके से ये मान लीजिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, इनका आगे क्या करवाया गया दोस्तों, स्वपरागण। तो स्वपरागण करवाने से ये इनके बन गए गैमेट, कैपिटल टी अलग स्मॉल टी अलग। ठीक इसी तरीके से कैपिटल टी ये अलग और स्मॉल टी ये अलग, तो ये दोस्तों क्या बन गए, F2 पीढ़ी के युग्मक। क्या बन गए दोस्तों, F2 पीढ़ी के युग्मक, है ना। तो अब आगे देखिए, आगे हम यहां चर्चा कर रहे हैं, देखिए तो ये जो स्वपरागण करवाया गया है ना, तो इस स्वपरागण में क्या क्या रिजल्ट आए उसमें अगर बात करें तो देखिए इसके अंदर कैपिटल टी, देखिए इसका इसके साथ में फ्यूजन होकर, मैं यहां ऊपर रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी देन कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हुआ क्या कि जब इसका इसके साथ में फ्यूजन किया जाता है तो कैपिटल टी इसका इसके साथ में फ्यूजन हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ में फ्यूजन हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इसके साथ में फ्यूजन हुआ तो स्मॉल टी और स्मॉल टी, है ना। तो अब देखिए दोस्तों F2 पीढ़ी में लक्षण प्राप्त जो अनुपात है ना, तो ये सारे सारे कौन है दोस्तों, ये सारे सारे हैं आपके F2 जनरेशन। ये क्या है दोस्तों, F2 जनरेशन यानी कि F2 पीढ़ी। ठीक है, अब F2 पीढ़ी में कैसे कैसे पौधे थे, तो देखिए दोस्तों आप इसको देख करके बताएं कि जो ये पौधे प्राप्त हुए,
ये जो बीज प्राप्त हुए इन बीजों को मेंडल ने जमीन में डाला, यानी कि बोया, जर्मिनेशन करवाया। जब ये बड़े हुए, तो आश्चर्यजनक रूप से उसको झटका लगा। कैसे? उसने देखा कि जो लक्षण, देखिए दोस्तों गौर से सुने, जो लक्षण F1 पीढ़ी में नहीं आया, ये कौन सी पीढ़ी दोस्तों? ये आपके F1 पीढ़ी है ना। तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं दिया, कौन सा दोस्तों? कौन सा? शुद्ध रूप से बोना पौधा, है ना। तो वो लक्षण वापस F2 पीढ़ी में आ गया। देन फिर मेंडल ने कहा, फिर उसने अनाउंस किया कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनका आगे की जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में विजिबल नहीं होते, वो दिखाई नहीं देते। तो ऐसे लक्षणों को फिर मेंडल ने क्या कहा दोस्तों? उन्होंने कहा अप्रभावी, यानी कि रिसेसिव करैक्टर। और ध्यान रखना दोस्तों, उन रिसेसिव करैक्टर को उन्होंने छोटे अक्षर से, यानी कि स्मॉल लेटर से लिखा। एंड दिस करैक्टर, है ना, स्पेसिफिक करेक्टर रिप्रेजेंट इन F1 जनरेशन, इट्स कॉल्ड डोमिनेट करेक्टर। इट मींस कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में दिखाई देता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है ना, अपने आप को शो करता है, प्रदर्शित करता है या दिखाई देता है, उनको दोस्तों उन्होंने नाम दिया प्रभावी, यानी कि डोमिनेट करेक्टर। और उसके लिए उन्होंने कैपिटल लेटर, यानी कि अंग्रेजी का बड़ा अक्षर यूज किया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, तो यहां बात करते हैं F2 जनरेशन, है ना, F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात। F2 पीढ़ी का बात करते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात। तो देखिए दोस्तों, बाहर से देखने पर, गौर करें, बाहर से देखने पर हम इजीली बता सकते हैं कि ये तीन पौधे तो क्या है, लंबे, है ना, और ये एक क्या है, बोना। देखिए हमने बात की भी है कि लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं, यानी कि फिनोटाइप। और फिनोटाइप का मीनिंग होता है दोस्तों एक्सटर्नली स्टडी करना, ना बाह्य आधार पर उसका अध्ययन करना। तो देखिए, तो इसमें लक्षण प्रारूप अनुपात क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? तो वो आपके प्राप्त हुआ लंबा अनुपात बोना। तो देख करके बताइए दोस्तों, बताएं फटाफट कि लंबे कितने पौधे हैं और बोने कितने हैं। हाँ, राइट, वेरी गुड। देखिए, तो जो लंबे पौधे हैं दोस्तों वो कितने होते हैं? तीन। तो लंबे पौधे हो गए दोस्तों आपके 3:1, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपसे पूछा जा सकता है सीधा सीधा वन वर्ड में, एक नंबर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेंडल के एक संकर संकरण का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो वो होता है दोस्तों 3:1। ठीक इसी तरीके से हम आगे बात करें, कि जीन प्रारूप अनुपात क्या दोस्तों? जीन प्रारूप अनुपात, कौन सा अनुपात दोस्तों? जीन प्रारूप अनुपात। ठीक है, यानी कि जीनोटाइप। तो देखिए दोस्तों, अब आपके सामने है, आप आराम से बता सकते हैं कि सिमिलर करैक्टर वाले कौन कौन से पौधे हैं जिसमें हम बात करें। तो देखिए, मैं आपके सामने लिख देता हूं कैपिटल टी यानी कि शुद्ध लंबा पौधा, अनुपात कैपिटल टी स्मॉल टी, इट मींस हिटरोजाइगस लॉन्ग, यानी कि विषम युग्मजी लंबा या अशुद्ध लंबा, एंड रेशियो स्मॉल टी। तो फटाफट देख करके बताएं कि इनमें से कौन कौन से पौधे हैं, है ना, वेरी गुड। देखिए क्या है, कैपिटल टी वाले कितने पौधे हैं दोस्तों? तो वो तो है दोस्तों आपके 1:1, ये कितने, ये आपके 1 और 2 है, तो ये हो गया 2:1, ये तो 1 ही है बेचारा, है ना, यानी कि 1:2:1:2। तो इस तरीके से दोस्तों, प्रथम जो प्रयोग था उस प्रयोग के आधार पर मेंडल ने इस तरीके की जो गणना थी वो अपने लिए प्रस्तुत की। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपके एक जीन का जो वंशानुगति सिद्धांत है ना। ये देखिए, हम बात क्या करते हैं, एक जीन वंशानुगति, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जिसमें क्या किया था मेंडल ने कि यदि एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया जाए तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं,
है ना। इसमें अपने सॉरी प्रथम प्रयोग में उसने शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें शुद्ध लंबे के लिए उसने कैसे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल लेटर, और शुद्ध बौने के लिए स्मॉल लेटर। ध्यान रखना दोस्तों, ये सब युग्मजी है, होमोजाइगस है, ध्यान रखना है ना। देन ये इनके गैमेट्स में जाते हैं। उसके बाद में बात करें तो जब इन युग्मकों का संलयन होता है तो दोस्तों एफ1 पीढ़ी प्राप्त होती है, जिसमें सारे के सारे पौधे क्या थे, इसमें सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। और वो कौन से लंबे थे, कौन से लंबे थे दोस्तों, वह आपके संकर लंबे, अशुद्ध लंबे। ध्यान रखना दोस्तों इसको, इसको दोस्तों ध्यान रखना, विषम युग्मजी। और क्या कह सकते हैं, विषम युग्मजी, और क्या कह सकते हैं दोस्तों, विषम युग्मजी, विषम युग्मजी लंबे, और क्या कह सकते हैं दोस्तों, विषम युग्मजी लंबे, राइट, यानी कि हेटरोजाइगस। देन एफ1 पीढ़ी का उसने आगे क्या करवाया दोस्तों, एफ1 पीढ़ी का उसने आगे स्वपरागण करवाया, और जब स्वपरागण करवाया तब इसमें जो अप्रभावी लक्षण से वो पुनः प्राप्त हुए, है ना। इसमें आलेख अनुसार जो 1:2:1 जो है ना, 0 टाइम वो पौधे प्राप्त हुए, इसका हमने देखो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया है, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज आपका एक संकर संकरण यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो उम्मीद करता हूं कि ये आज का जो ये टॉपिक है ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेंडल के जो भी एक्सपेरिमेंट थे, उस एक्सपेरिमेंट के बाद में उसने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट के बाद में दोस्तों उसने नियम दिए थे। क्या किया था दोस्तों, एक्सपेरिमेंट के बाद में उसने नियम दिए थे, तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं मेंडल के जो नियम है उन नियम के ऊपर बात कर रहे हैं। उससे पहले बात करें दोस्तों, तो एक छोटा सा टॉपिक है आपके इसमें, परीक्षण संक्रमण। तो देखिए, मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया है ना, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उसने एक और टर्म जैसे यूज की थी, परीक्षण संक्रमण, परीक्षण संक्रमण, यानी कि टेस्ट क्रॉस, यानी कि टेस्ट क्रॉस। तो दोस्तों इसकी परिभाषा हमने अच्छे से देखी हुई है ना, और ट्रिक के हिसाब से भी हमने बात की थी, हमने ट्रिक के हिसाब से भी बात की थी। और वो हमारी ट्रिक क्या थी दोस्तों, जल्दी जल्दी बताएं। देखिए हाँ, हमारी ट्रिक थी कि अप्रभावी का, अप्रभावी, अप्रभावी का टेस्ट करना है भाई, क्या करना है, अप्रभावी का टेस्ट करना है। तो ये तो हमने एक ट्रिक के रूप में है ना दोस्तों, ये हमने ट्रिक के रूप में हमने इस पूरी परिभाषा को देखा, क्या देखा कि अप्रभावी का टेस्ट करना है, बात करता हूं, है ना। चलो कैसे देखते हैं। देखिए दोस्तों, परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं कि जिसमें एफ1 पीढ़ी का जनकों में से जो अप्रभावी जनक है उसके साथ में अगर क्रॉस करवाया जाए तो ऐसे क्रॉस को आपके टेस्ट क्रॉस कहते हैं। चलो बात करते हैं, तो इसमें बात करें संकरण प्रयोग, संकरण प्रयोग के दौरान प्राप्त एफ1 पीढ़ी का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ, अप्रभावी जनक के साथ करवाना परीक्षण संक्रमण या क्या कहते हैं दोस्तों, टेस्ट क्रॉस, परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं, परीक्षण संकरण
कहते हैं, परीक्षण संकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि F1 पीढ़ी का क्रॉस किसके साथ करवाएंगे, वो क्रॉस हम करवाएंगे दोस्तों अप्रभावी जनकों के साथ करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसके अंदर ध्यान रखना हमेशा फीनोटाइप जो रेशियो है, जीनोटाइप जो रेशियो है वो 1:1 प्राप्त होता है। कैसे, चलो प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए मान लीजिए हमने F1 पीढ़ी है ना, तो F1 पीढ़ी कौन है दोस्तों, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये कौन थी दोस्तों, F1 पीढ़ी यानी कि विषम युग्मजी है ना। उसका क्रॉस, उसका हमने क्रॉस किसके साथ करवाया दोस्तों, उसका हमने क्रॉस करवाया अप्रभावी जनक के साथ यानी कि स्मॉल टी के साथ। तो देखिए ये इनके गैमेट बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसी तरीके से स्मॉल टी और स्मॉल टी इसके गैमेट बन गए। ठीक है दोस्तों, अब इनका फ्यूजन, तो देखिए फ्यूजन में देखिए कैपिटल टी ये और ये जब दोनों मिलते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनका इसके साथ में किया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ किया गया तो स्मॉल टी और इसका इसके साथ किया गया दोस्तों तो स्मॉल टी। तो मुझे दोस्तों फटाफट बताइए कि इसका लक्षण प्रारूपणपात क्या है और इसका फिनोटाइप यानी कि जीन प्रारूपणपात क्या है। चलो तो दोस्तों एक मैं बता देता हूं और एक आपके लिए आज का क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो दोस्तों अपन बात करते हैं टेस्ट क्रॉस के लिए, ना टेस्ट क्रॉस के लिए यहां बात कर रहा हूं लक्षण प्रारूप अनुपात, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कारण कि आगे आप एक टॉपिक पढ़ोगे उसमें कहीं ना कहीं इसका जिक्र दोबारा होगा। किसका दोस्तों, टेस्ट क्रॉस का। तो आप अच्छे से इसको समझिएगा, है ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार दोबारा रिपीट करके देखिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा, हम हर एक प्रॉब्लम्स के ऊपर आपकी वर्क करेंगे, पूरा उसको सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलो तो देखिए लक्षण प्रारूप यानी कि बाहर से देखने पर, तो देखिए दोस्तों बाहर से देखने पर ये क्या है, ये तो दोनों लंबे है और ये दोनों बोने हैं, दैट्स ऑल, है ना। तो लंबे अनुपात बोने या बोना बोना, या यूं कहूं शुद्ध अशुद्ध, तो हम बाद में से बात करेंगे ना। तो ये आपके रेशियो होता है, कैसे निकालेंगे, ये कितने पौधे हैं, 2:2 सॉल्व आउट करेंगे तो 1:1। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जब टेस्ट क्रॉस किया जाता है तो टेस्ट क्रॉस में दोस्तों लक्षण प्रारूप जो अनुपात है यानी कि फिनोटाइप जो रेशियो है वो ऑलवेज क्या प्राप्त होता है, 1:1। और ये आज का आपका क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको बताना है कि इस टेस्ट क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात क्या है दोस्तों, जीन प्रारूप अनुपात वो दोस्तों आपको बताना है, जीन प्रारूप अनुपात वो मेरे प्यारे प्यारे साथियों आपको बताना है, राइट है, एकदम सिंपल आपके सामने है, उम्मीद करता हूं आप एकदम अच्छे से बताओगे। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बात की है कि एक जीन की वंशानुगति या वंशानुगति की जो प्रोसीजर है वो कैसे होती है, यानी कि मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस है वो कैसे होता है। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है। तो दोस्तों फटाफट अगर लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे जरूर शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।